और अमेरिका के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा। चीन की यूएस की जुडिशरी सिस्टम में घुसपैठ की प्लानिंग, अमेरिका के सबसे बड़े लॉ फर्म ने किया खुलासा। अमेरिका के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन यूएस की न्यायिक प्रणाली में घुसपैठ की फिराक में है। बीजिंग अमेरिकी न्यायिक प्रणाली में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की एक ग्लोबल लॉ फर्म पॉल हेस्टिंग एलएलपी ने यह दावा किया है। इस बीच अमेरिका में एक ग्रैंड जूरी ने चीनी सरकार के आलोचकों को चुप कराने की एक योजना के रूप में 5 लोगों पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने बड़ा बयान दिया है। जेनेट येलेन ने चीन के कारोबार कम करने की तरफ इशारा किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से सौर पैनलों और चीन से अन्य प्रमुख सामानों पर अमेरिकी निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पिछले दिनों जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की सनसनीखेज हत्या पर चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। जेनिफर जेंग के मुताबिक शिंजो आबे की हत्या चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग की पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीक्रेट मेंबर ने की है। और सिर्फ शिंजो आबे ही नहीं बल्कि सीसीपी की हिटलिस्ट में ताइवान की भी कई बड़ी हस्तियां हैं। दावे के मुताबिक इन राजनीतिक हत्याओं को 2024 के आम चुनाव के आसपास अंजाम दिया जा सकता है।